देखो अभी आगे प्लान शिमला का है, शिशु का प्लान बन सकता है, जैसे उनको पहले बता दिया है। अभी बस फिर से इसी खतरनाक रास्ते निकलते हैं, रात को तो पता नहीं लगा था पर अब देखते हैं ना, तो काफी ज्यादा मस्त रास्ता है। जहाँ से भी स्लिप ना हो जी, बस इतना ध्यान रखिए। ओ मामा जी दूसरा आने वाले थे ना, तू जाते नहीं, छोड़ दे बैग, छोड़ दे वहाँ पे, ले आऊंगा मैं, ले आऊंगा तो मैं क्या, छोड़ दे ले जाऊंगा तो कह दिया छोड़, फोन दोनों फोन, मैं फोन फोन मेरे को नहीं चाहिए बाद में, मैं जेबे डालू रख दे यहाँ पे। हाँ जा, हाँ जा, आ पीछे आगे देख, आगे पीछे नहीं, उल्टा नहीं, हंसे जैसे हाँ बिल्कुल ध्यान से आराम से, वो बूट सही पहने हुए ना तेरे। आजा आजा बाकी अब। तो भाई साहब वो तीनों से तो आगे निकल गए, हम चलते हैं। और ये देखो भाई रात को तो दिखे नहीं, पर ये देखो ये रास्ता पूरा ब्लॉक है, पड़े गाड़ी वगैरह नहीं आ रही फिलहाल। देखो लास्ट में बाढ़ आई थी ना अंकल जी, हाँ भाई अंकल जी आप साफ करेंगे, आप क्रेन वगैरह तो आ नहीं सकते है ना, क्रेन वगैरह तो यहाँ सकते वहाँ पे कोई, इसलिए भाई खुद को साफ करनी पड़ेगी। तो ना कितना रन हो जाए इसमें, लगभग इसमें साफ करने में कितना रन हो जाएगा ये डंगर है? हाँ अभी तो लगेगा जी, लग जाएगा तो ओपनिंग में, दो एक महीना, दो एक महीने लग जाए पूरा पूरा भाई नेट। क्या देखो इन फिलहाल भाई कोई मशीन यहाँ पे हेल्प कर नहीं सकती, कोई एक आदमी जरूर कर ले। और ये भाई प्रेम चच्चू भी आगे साथ में, आप भी चल रहे हो? हाँ जी वो जल्दी आए यार, आप पहले आए, वही मैं सोच रहा हूँ जल्दी कैसे है, कौन सा शॉर्टकट है चाचू जी? इधर आओ इधर आओ इधर आओ, मैं कभी लिखी तो शॉर्टकट कौन सा है यहाँ पे, कोई अच्छा शॉर्टकट है यहाँ सीधा कि ऊपर से नीचे सीधा है रास्ता, नीचे है जिससे एक हम आए थे उसका क्या शॉर्टकट है? नहीं है, दो है क्या? अच्छा पर ऐसे मामा जी यहाँ रेगुलर है, इसकी जल्दी आ गई है। तो बस भाई अब निकलते हैं सबके साथ आगे इस पर की ओर, बिना किसी देरी के आ जाओ, आधे घंटे का क्या कर रहे हो, चलो टाइम पास है इनका। चूहा बिल्ली है लड़ रही थी, निकल जल्दी निकल जल्दी निकल जल्दी निकालो, 5 सेकंड तो गई। लो भाई कल सारा आ जाएंगे, बोलो वीर बजरंग बली की जय हो, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया, गणपति बापा मोरिया। अब चले हैं
यहाँ से मोरनी से निकले हैं शिमला के लिए और लमसम 3 घंटे का सफर है। वो देखते हैं कैसा रहता है आज का सफर। कल का बहुत अच्छा रहा था, ईश्वर करे अच्छे से पहुंचे सबके सब, और यही ईश्वर से कामना करते हैं सबके। ईश्वर से कामना करो कि ड्राइवर सबसे सेफ लेके जाए। सबसे ड्राइवर काफी खतरनाक है, सबसे बड़ी मिस्टेक एक होगी ड्राइवर थोड़ा जाता तो ट्रॉफी बाकी ठीक था। ड्राइवर बढ़िया ठीक था। तो देखो अभी ना अब दिखाते हैं आपको अच्छी तरह से मोरने रास्तों में नजारे कैसे रहते हैं, कि रात को अंधेरा था दिखता था नहीं, इसलिए अभी बस बहुत देखो। तो देखो अभी हिमाचल में एंटर हो चुके हैं और यहाँ से शिमला जहाँ पे हम जाना है वो लगभग 100 किलोमीटर का रास्ता है, जिसको भाई तय करने में 2.5 घंटे लग जाएंगे आराम से। ये देखो अभी मेरे पापा और मामा जी दोनों गए हैं अपने कुछ सामान को लेने, और फिलहाल मैं और मेरे ड्राइवर आज मामा जी और इनको से अलग करने का ये सिस्टम है जो हमको हम दोनों करें इसके सेट है, क्योंकि नहीं काफी दब रही है भाई। इतना पहाड़ी इलाका है अभी नहीं, चढ़ाना आई पड़ी है। पानी कम है किसमें है, शायद तक पानी तक भर रहे हैं अभी। कल ना पानी की कमी हो गई थी, मिलता आज भी हो सकती है ना। ठीक और डालो पानी। देखो जिस हिसाब से ना आज का व्लॉग चल रहा है, मैं इतना जरूर बोलता हूँ इसको एडिटिंग करने के बाद कट वगैरह करने के बाद भी काफी बड़ा होने वाला है व्लॉग। तो बड़ा होगा तो आप देख लेना पूरा भाई, पक्का मजा आने वाला। मैं तो शोर दे रहा हूँ आपको, एक गारंटी है मेरे की आपको मजे जरूर आएंगे। और साथ साथ में ऐसा हो कि ज्यादा बड़ा हो जाए ना तो मैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके छोड़ दूंगा, एक अलग व्लॉग अपलोड हो जाएंगे, ठीक है ना। लाइक ज्यादा व्लॉग हो जाएंगे इससे अच्छा। और फिलहाल बस गाड़ी तो बदबू आ रही है यहाँ से, गाड़ी में से ना मुझे काफी ज्यादा बदबू आ रही है। कोई बात नहीं, चल जाएगी, मस्त चलेगी। बस पापा जी और वेट कर रहे हैं, फिर हम निकलते हैं वापस अपने सफर की ओर, वरना कल की तरह फिर से हम ज्यादा लेट हो जाएंगे। 90 किलोमीटर चलना है, 2.5 घंटे रास्ता है, और अगर मामू जी वो जल्दी नहीं आए ना पापा जी और तो ज्यादा टाइम लग जाए, लगभग 3 घंटे का रास्ता हो सकता है फिर। ये आ गया हिमाचल, यहाँ से हिमाचल प्रारंभ होता है और ये डायरेक्ट यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर है शिमला, और लगभग 2 घंटे का रनवे है। आगे हिमाचल का पहला टोल नाका, और यहाँ से फर्स्ट है मोरनी से, और अपने को यहाँ पे देना पड़ेगा केस। यहाँ पे कोई फास्ट वे वगैरह कुछ नहीं है, बस केस का काम है। यहाँ से आ गया इधर से हिमाचल के लिए पहला टोल टैक्स, टोल नाका। अश्विन अश्विन अठ थाल मार दे, पक्की बात हुई, रोक अठ थाल मार दूंगा मैं, चल मैं भारी चीज हो क्या लगा रही हूँ, अठे ही रोक ले। देखते हैं कौन जीतता है सुनी और जतिन में, दोनों पूरी मेहनत के साथ कड़ी मेहनत करते हुए असुनी हार गया है। तो अभी भाई यहाँ से हम ले रहे संतरे पूरे रास्ते के लिए, और से हम क्या बन रहा हूँ और क्या क्या इधर लिया कौन और क्या क्या इधर संतरे के अलावा और क्या क्या है संतरे के अलावा क्या अंकल जी, संतरे के अलावा क्या क्या फास्ट फूड? सीधे संतरे चाहिए हमको, सीधे संतरे कितने क्या रेट है? रेट क्या है? 10 रुपए के पीस है, 10 रुपए के 20 पीस, 20 नहीं 10 रुपए का एक पीस, एक पीस यार 1 रुपए का मिल जाएगा, 10 पीस कैसे मिल जाएगा क्या 1 रुपए का एक नहीं 1 रुपए 1 रुपए 2 बोल रहे आप तो 1, 2, 3, 4, 5 बंदे 6 हैं यार हम, 5 के 6 50 के 6
नहीं भाजी फीस के साथ लगेगा ये तो मत करो यार। बार्गेनिंग हो रही है, बार्गेनिंग बार्गेनिंग ओपी लेवल बार्गेनिंग। अरे पेट पे तो हमारे लगते हैं पर ये लो वैसे लगते पेट पे ही है, पेट पे लगते तो हाँ तो बहुत है वहाँ पे। चलो कोई बात नहीं भाई पॉलिथीन दे दो भैया। चलो भाई बढ़िया ले लिए। ओ भाई पेप्सी अंकल से बड़े वो है ब्रांडेड है। यार हम जहाँ रुके हैं ना यहाँ भाई सोलन वैली है ना वो 35 किलोमीटर दूर है और जो शिमला है वो पूरा 70 किलोमीटर दूर है। बस सफर तय करते हैं बस यहाँ के बैठ जाए फोन के चिपके हुए इंसान आयो चलिए अंदर। मैं सर मैं अपने दोस्तों से कॉल करके आके एक है दो तो चिल्लाता हूँ यार मन तो कर रहा है पर वो फोन नहीं उठा रहा। एक का दोस्त है वही फोन शाबाश इतना बुरा मैं नहीं हूँ। बर्गर किंग है तो देखो अभी ना जैसे हम जैसे आगे जाए जा रहे हैं रास्ते में हमें काफी मस्त मस्त पहाड़ियां देखने मिल रही है और साइड का व्यू माइंड ब्लोइंग बहुत मस्त। और भाई जैसे बोलते हैं ना सर्दियों में ना हमारे गांव के जहाँ से रहते हैं ज्यादातर वहाँ पे भाई धुंध से भरा पड़ता है और यहाँ पे सूरज नहीं जा रहा भाई गर्मी से भरे पड़े अभी गर्मी लग रही नहीं लग रही ठंड है कितनी ज्यादा ठंड है यहाँ पे क्या है ठंड लग रही है। नहीं कार के अंदर बोल रहा हूँ बाहर तो हवा चल रही है यहाँ पे भी अंदर मैं सूरज के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे गर्मी है अपने ऊपर आ गया ना कम से कम 4-5 हजार फुट ऊपर है जमीन से बादल नीचे फिलहाल तो बादल नीचे नीचे ठंडा ऊपर मैं तो ये सोच रहा हूँ अगर ये पौधे जैसे पेड़ वगैरह है नीचे गिरे तो क्या बनेगा बात सुनना मेरे का यहाँ पे इतने महान महान बंदे बैठे हुए बताओ कि अगर जितने पेड़ है सर नीचे गिरिए तो क्या बनेगा रोड जाम हो जाएगा तो बाढ़ बनेगी और क्या रोड जाम हो जाए बाढ़ नहीं बनेगी रोड जाम हो जाएगी बाढ़ कौन सी बनेगी बाढ़ पानी से बनती है वो तो बोल रहा हूँ बाढ़ कौन सी बाढ़ कौन सी बनेगी इसकी नहीं क्या अरे रोड जाम हो जाएगा जब पेड़ गिरेंगे नीचे बस बताए मेरे कौन कौन सी भाषा है गिलास थोड़ी बेटा रोड फूट जाएगी तो फूटेगी तो वही बात है तो वही बात है मार्केट से तो रोड ही फूटेगी और क्या फूटेगा रोड फूटेगी रोड टूटेगी फूटे को नहीं रोड फूटे गिलास फूटे रोड फूटे गिलास टूटे रोड फूटे गिलास फूटने फोड़ना कोई चीज नहीं फोड़ रोड ऊपर कुछ फोड़ना है बाकी की बोल भी कौन उसका हिंदी और बागड़ी में मैशअप है यहाँ पे पूरा पूरा जिस हिसाब के ना यहाँ पे होटल है ना मैं भाई कभी खाने का मन नहीं कर रहा मेरे को तो ये होटल देखने के बाद खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा भूख भर गया है पेट भर चुका ये आ गया है शिमला का द्वार। तो अभी जहाँ पे हमारी लोकेशन है वो यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर है और हम आपको सीधा वहाँ जाके ही मिलते हैं। तो देखो अभी ना है शिमला में पार्किंग फिर कार लगा दी है इसके बाद जो आगे पैदल सफर है ना वो तय करते हैं। चलो तो अभी सबके सब मिल चुके हैं और यहाँ चलते हैं आगे देखते हैं आगे सफर कैसा रहेगा। फिलहाल बस जल्दी जाना है मेरी ब्लॉगिंग तो अरे बाहर में जाने वाले सिस्टम चल रहा है यहाँ पे दोनों ज्यादा ब्लॉगिंग कर रहे हैं भाई मैं पूरे रास्ते ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं तो हम देखते हैं फिर सब देख ब्लॉगिंग करते हैं कई दोनों लगे पड़े हैं भाई पता नहीं कहाँ जा रहे हैं तो कुछ बोलो ये देखो व्यू काफी मस्त है यार
यहाँ से खुद व्यू देखो यार आप, मन लुभाने वाला व्यू है यार, कितना मस्त व्यू है। लाइक ऐसा कोई सपनों से ऐसा लग रहा है कि लाइक घर के ऊपर घर सब पता नहीं कहाँ ले जाए यार। यहीं तो मामा जी और सब आगे चले गए, मैं पीछे रह गया, मैं से ऊपर ही मिले। और मंदिर अपना बोचिंग ग्रहण कर रहा है, पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से दिखती है मेरे को ये। और यार हमारे मार्ग पे चले जा रहे हैं, मैं रुक रुक कैसे बोल रहा हूँ, मैं सांस फुल्ली पड़ी है, मुझे वो डिज़ाइन नहीं अच्छी लगी। ये तो ज़्यादा हो रहा है भाई, बड़ा पड़ा है, ये तो अलग ही जी है। यहाँ पर शिमला में तो काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है, काफ़ी महंगा भी होगा जिस हिसाब से टाइम भी है भाई साहब। यहाँ पे ना लगा रहे तो एडवांस होगा इस चीज़ का, शिमला भाई यहाँ पे अलग एडवांस है। एक पहाड़ों में ना काफ़ी एडवांस बड़ा चीज़ें पड़ी है, एक स्पीकर हो गया, स्क्रीन लगा रखी है बंदों ने तो होटल के आगे। और भाई साहब यहाँ पे व्यू खत्म नहीं हो रहे, कोई जरूरत ही नहीं है, व्यू खत्म होने वाले है ही नहीं। बाकी देखो भाई यहाँ पे ना काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें मौजूद है भाई, मतलब मस्त जरूर। वैसे शिमला में ना यहाँ पे है तो काफ़ी मस्त मस्त चीज़ों पर दुकानें काफ़ी अच्छी हैं, कुछ ही बोल लो दुकानों डिजाइनिंग हो भाई, तो घर भी काफ़ी मस्त मस्त है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? अरे पंचू कहाँ गए अपने? अच्छा वो आ गए रे अपने चाचू, मुंह लाल हो पड़ा है, थके तो नहीं भाई साहब? यहाँ पे डेकोरेशन करके कोई फेस्टिवल होने वाला है, डेकोरेशन की ये 12 मास डेकोरेशन रहती रहती है। वैसे लग रहा कि पहाड़ी इलाके में ज़्यादा बड़ा पहाड़ी इलाकों के कि सुविधाएं कम होती है, यहाँ पर जो बोलो वो मिलेगा आपको, जो बोलो वो। वैसे भाई यहाँ पे ना वीडियो बनाते हैं, मेरे फ़ोन की बैंड डाउन हो जाएगी, व्यू खत्म नहीं होने वाले। मामा जी हम मानते हैं कि पहाड़ों में रहते हो, पर इतना भी नहीं कि हाँ भाई चलते जा रहे हो, थकने का नाम नहीं ले रहे। वो कितनी चढ़ाई है? नहीं कुछ रेस्ट के लिए कुछ भी है क्या? रेस्ट के लिए कुछ नहीं है। हाँ तो शिमला लाइक इंडिया की जगह चर्च बना रखा है इतना बड़ा यार, बस पापा हाँ बस चर्च बना रखे इतने बड़े बड़े मंदिर, मंदिर दिख रहे नहीं है भाई साहब। यहाँ पे अभी हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम पहुंच रहे हैं शिमला की मेन डेस्टिनेशन, और यहाँ पे भाई काफी मस्त मस्त चीजें भी है। और भाई जब अगर मैं तो इधर उधर देख रहा हूँ ना वो एडजस्ट कर लेना, चलता है इतना तो। भाई देखो महात्मा गांधी जी की यहाँ पे मूर्ति बनाई हुई है, वो भाई कुछ बोलो, ये जगह तो काफी ज्यादा मस्त है अरे। और ये मेरे मामा जी फिलहाल जल्दी आए हैं, काफी जल्दी आए हो, सब थक गए भाई, थके हो ना? नहीं थका, बिल्कुल रिलैक्स है एकदम मस्त। बाकी जाओ नीचे वापस पुराना साइड मूर्ति प्लेट है। वैसे देखो यहाँ पे महात्मा गांधी मूर्ति के अलावा भी काफी लोगों की मूर्तियां हैं, लाइक ऐसे जो काफी ज्यादा लाइक ज्यादा तो लोगों को पता भी नहीं है, बहुत से एलटी जैन, दिलोर सिंह, पीएसएम, बीएसएम, मैं कौन बता इसमें बोल रहा हूँ कि काफी लोगों को पता नहीं है ये। अब आगे भी किसी की मूर्ति है, हिमाचल निर्माता वैसा यशवंत सिंह परमार, हिमाचल और बनाया था इन्होंने, मस्त है भाई। और वो देखो देश की पहले प्रधानमंत्री मूर्ति है वो, जहाँ तक देखने में लग रहा है दूर से। और ये भाई इंदिरा गांधी का स्टेचू बनाया हुआ है यहाँ पे, वो भाई काफ़ी मस्त जगह है भाई। वैसे हम ज़्यादातर ना फॉरेन के लोग ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को, तो अभी फिलहाल भाई देखो शिमला तो देख लिया है मान लो, फिलहाल आगे जाके देखते हैं कुछ खान पान करेंगे, क्योंकि आप खान पान करने निकले मेन तो आज ये मान लो अपने। अब चलते हैं नीचे। वैसे आप बोलूँ ना, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, क्या है भाई शिमला में यार,
कोई स्पेशल चीज हुई मानता हूँ। ऊपर बस भाई स्टॉल वगैरह लगी पड़ी है, कुछ डिजाइन कर रखे है, मूर्ति बना के और क्या कुछ नहीं है, पहाड़ी है भाई साहब। व्यू तो ये है असली, लाइक अभी लाइक काफी ज्यादा चीजें आर्टिफिशियल होगी। और फिलहाल चर्च भी हमारा बंद है, अभी चर्च भी बंद हो गया फिलहाल, इसलिए ना कुछ नहीं कर सकता। तो भाई बस यही था फाइनल व्यू, लाइक नाइट का व्यू है ये, सबसे बेस्ट व्यू मान जाता है माल रोड का, शिमला का। वो है पहला ये चर्च, और अगर हम थोड़ा सा जाए वो है उधर हनुमान जी की मूर्ति बनी हुई है। प्लान बनते ही जा रहे हैं, लाइक आगे जाते हुए बस बजट ना खत्म है, बजट खत्म है, फिर भी आगे जाने का मन है भाई साहब। रात का व्यू देखो यहाँ पे, नीचे जाते थे पूरा व्यू एंजॉय कर रहा था, इतना मस्त व्यू है भाई ये यार, कितना मस्त व्यू आ रहा है। लाइक हर एक चीज का लाइट लगी हुई है, लाइक नीचे से लगे ऊपर से ऊपर तक भाई लाइट मस्त लगे यार। तो अभी भाई शिमला घूमने के बाद अभी हम कर रहे हैं खाने की तैयारी, और हमारे मामा जी खाना प्याज वे काट रहे हैं अपने लिए, हम खाना खाएंगे और फिर बाद मिलते हैं हम आपको कल एक नए ब्लॉग से और एक नई जगह के साथ।